बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है, इसे मजबूत बनाने में एक कदम बढ़ाएं। ज्वाइन के बटन पर जाकर एक कदम भीम मिशन की ओर को ज्वाइन करें। जय भीम साथियों, आज हम आपके बीच एक सबसे बड़ी जानकारी और एक सबसे बड़ी खबर लेकर आए हैं। साथियों, हमारा मानना यह है कि खबरों के साथ साथ जो समाज के मुद्दे हैं, समाज जिन बातों को जानना चाहता है उन बातों को भी रखना चाहिए। साथियों, वैसे तो हम बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर आपके बीच लेकर आते रहते हैं, पर साथियों जो बहुजन समाज के सवाल होते हैं उनका जवाब भी देना हमारा बिल्कुल फर्ज होता है। साथियों, इस समय जो कि हमारा समाज एक सवाल पूछ रहा है, हमारे कमेंट्स बॉक्स में पूछ रहा है, हमारे व्हाट्सएप मैसेज पर पूछ रहा है, कॉल कर पूछ रहा है, उनका सवाल ये है कि बहुजन नेता ये काम कर रहे हैं तो समाज का आखिर क्या हुआ। साथियों, हम आपको पूरी खबर पूरा मैटर विस्तार से समझाएंगे। उससे पहले हमारा आपसे एक निवेदन है, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हर समाज के व्यक्ति तक ये संदेश जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि समाज का ये सवाल है, समाज के पास इसका जवाब जाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। साथियों, हम आपको बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी या मान्यवर साहब कांसी राम जी अगर आज होते तो ऐसा कभी नहीं होता जो आज हो रहा है। समाज का बिखराव इस तरीके से हो रहा है, समाज कण कण में बट चुका है, यानी कि जो समाज एकजुट था और आज पहले बहुत ही ज़्यादा कम बिखरा हुआ था, अब और ज़्यादा बिखर गया है। साथियों, समाज को बिखरने का काम और किसी ने नहीं किया, कोई बाहर से समाज को बिखेरने नहीं आया है, अपने ही लोगों का ये काम है। अपने ही समाज के व्यक्ति नई नई दुकानें खोलकर बैठ गए अपने धंधे के लिए और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। साथियों, हम आपको बताने की कोशिश करें तो समाज के हित की बात इस समय बहुत ज़्यादा कम ही लोग करते हैं। जिन्होंने पहले संघर्ष किया है आप उन पर ध्यान दीजिए, ना कि कल परसों से जो उभर कर आए हैं उन पर ज़्यादा ध्यान ना देकर उनको समझिए पहले, जब उनकी तरफ भाजिए। साथियों, हम आपको बता दें कि बाबा साहब के नाम पर, समाज के नाम पर समाज के लोगों को गुमराह करने वाले बहुत हैं, पर साथियों वास्तव में जो मुद्दा उठाने लायक है उसे नहीं उठाते। जो मुद्दा, जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दें, जैसे कि बहन कुमारी मायावती जी ने जो मुद्दा उठाया, उस मुद्दे को अपने ही समाज का नेता यानी अपने बहुजन समाज का नेता उस मुद्दे को नहीं उठाएगा, बल्कि इनका फर्ज ये बनता है कि इनको जो अपने एक नेता ने, समाज के नेता ने, किसी भी एक नेता ने जो मुद्दा उठा दिया, जैसे कि माननीय अखिलेश यादव जी ने एक मुद्दा उठाया, तो उस मुद्दे को बहन जी को भी उठाना चाहिए, चंद्रशेखर जी को भी उठाना चाहिए, और बहन जी ने जो मुद्दा उठाया तो चंद्रशेखर व अखिलेश यादव जी को भी उठाना चाहिए। पर साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। एक दूसरे से जो मुद्दा बहन जी उठा रही हैं उस मुद्दे को और अन्य नेता नहीं उठा रहा है, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने बहन जी का साथ दे दिया तो जो उन्होंने मुद्दा उठाया है उसमें वो सक्सेस हो जाएंगी, तो उनका वोट बैंक भी मजबूत हो जाएगा। पर साथियों, हम उनको बता दें जो ऐसी सोच रखते हैं, हम खासकर आप जो समाज की बात है वही रख रहे हैं आपके बीच, क्योंकि समाज यही सवाल अक्सर पूछना चाहता है व्यक्तियों से। आपसे भी हम एक सवाल पूछना चाहेंगे कि आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय अवश्य दें हमारी वीडियो पूरा देखने के बाद। साथियों, अब हम आपके बात बता दें कि ऐसी बात ना सोचकर उन्हें अपने समाज के नेता के साथ खड़ा होना चाहिए। जब हमारे समाज के नेता ही एक दूसरे नेता की बात नहीं सुनेंगे, एक दूसरे नेता के द्वारा उठाए गए हक अधिकार का समर्थन नहीं करेंगे तो समाज कैसे एकजुट हो जाएगा। पढ़े लिखे अपने बड़े लोगों से ही समाज सुधरता है। जब हमारे बड़े जो समाज के नेता हैं वो एकजुट होकर काम करेंगे, वो एक मंच पर आकर काम करेंगे, तो समाज तो अपने आप ही एक मंच पर आ जाएगा। समाज किसके हाथ में है? समाज नेताओं के हाथ में है। जिधर जैसे कि अखिलेश यादव जी को चाहने वाले करीब 30 या 50-60% जितने भी मानो आप उतने मानो, और समाज तो बहुजन समाज ही है, उस बहुजन समाज से में से तो बंटवारा होगा, अन्य किसी समाज में तो बंटवारा होने तो रहा। बहन जी को चाहने वाले बहन जी की तरफ, अखिलेश यादव जी को चाहने वाले अखिलेश यादव जी की तरफ, और अब तो भीमार में चीफ चंद्रशेखर आजाद जी भी आ गए, उनको चाहने वाले अलग भाग जाएंगे। तो अब आप बताइए, जब ये 20-20% कड़कड़ में बट जाएंगे तो क्या ये अपनी सत्ता हासिल कर पाएंगे? क्या अपनी ये सरकार बना पाएंगे? ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी अपनी सरकार नहीं बना सकते ऐसे ही चलता रहा तो।
अपनी समाज के महापुरुषों को छोड़कर तुम दूसरे समाज की तरफ भाग रहे हो। क्या ये समाज की भाग अच्छाई के लिए कर रहे हो? ये समाज का बहुत ही ज़्यादा, समाज को बहुत ही ज़्यादा बड़े गड्ढे में लेकर जा रहे हैं साथियों। हमारे नेताओं को हमारे बारे में सोचना चाहिए, समाज के बारे में सोचना चाहिए। आज जो समाज का सवाल है उन सवालों को जवाब देना चाहिए। हमारा समाज दिन और रात यही गुहार लगा रहा है कि हमारे नेता एक मंच पर आए। जब हमारे नेता एक साथ मुद्दे को उठाकर कोई भी ट्वीट करते हैं, कोई भी मुद्दा उठाते हैं, तो हमारे समाज में जो खुशी होती है वो बहुत ही ज़्यादा देखने लायक होती है। उससे जो जलने वाले समाज से, बाबा साहब से जलने वाले, वो उनकी बहुत ही ज़्यादा जलन और जल जाती है। तो अपने समाज के व्यक्तियों को खुश रखिए, दूसरों की तरफ मत भागिए। जो अपना हो जाएगा आपका, वो किसी दूसरा आपका नहीं हो सकता। साथियों जी मैं कह रहा हूँ यही बात, पूरा समाज बोल रहा है। तो साथियों लाइट प्रॉब्लम होने के कारण वीडियो में बीच में थोड़ा सा अंधेरा हो गया, और अब हम आपके बीच फिर से अपनी बात रखने के लिए आए हैं। तो हमारी लास्ट बात यही रहेगी, जो हमने बात आपके बीच पहले इस वीडियो में रखी थी, उस पर थोड़ा ध्यान देकर आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय। और साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दी हुई घंटी को बस दबाएं, जिससे कि बहुजन समाज से जुड़ी खबर आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहेगी। इस चैनल का उद्देश्य गरीब, दलित, शोषित वंचितों पर हो रहे उत्पीड़न व अत्याचार की आवाज़ उठाना, और आज जो प्रॉब्लम हुई है वो आगे से कभी नहीं होगी, ये हमारा आपसे वादा है। हम इस प्रॉब्लम पर अपनी पर ध्यान देंगे। थोड़े लाइट प्रॉब्लम की होने के कारण ये वीडियो बीच में से थोड़ा कट हो गई, पर साथियों कोई बात नहीं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट में राय दीजिए। और के लिए जय भीम, जय भारत। मैं विशाल कुमार फिर मिलता हूँ एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। जय भीम, जय भारत।